ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਅਮਿਉ ਰਸ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹਰ ਕਾ ਨਾਉਂ। ਮਨ ਤਨ ਹਿਰਦੈ ਸਿਮਰ ਹਰ, ਆਠ ਪਹਿਰ ਗੁਣ ਗਾਓਂ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਅਮਿਉ ਰਸ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹਰ ਕਾ ਨਾਉਂ। ਮਨ ਤਨ ਹਿਰਦੈ ਸਿਮਰ ਹਰ, ਆਠ ਪਹਿਰ ਗੁਣ ਗਾਓਂ। ਉਪਦੇਸ ਸੁਣੋ ਤੁਮ ਗੁਰ ਸਿੱਖੋ, ਸੱਚਾ ਇਹੋ ਸੁਭਾਓ। ਜਨਮ ਪਦਾਰਥ ਸਫਲ ਹੋਏ, ਮਨ ਮੈਂ ਲਾਹੂ ਪਾਓ। ਸੋਕ ਸਹਿਜ ਆਨੰਦ ਕਣਾ, ਪ੍ਰਭ ਜਪ ਧਿਆ ਦੁਖ ਜਾਏ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਜਪਤ ਸੁਖ ਉਪਜੈ, ਦਰ ਗਹਿ ਪਾਈਐ ਥਾਉਂ। ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਧਿਆਈਐ, ਗੁਰ ਪੂਰਾ ਮਤ ਦੇ। ਭਾਣੇ ਜਪ ਤਪ ਸੰਜਮੋ, ਭਾਣੇ ਹੀ ਕੱਢ ਲੇ। ਭਾਣੇ ਜੂਨ ਪਵਾਈ ਹੈ, ਭਾਣੇ ਬਖਸ਼ ਕਰੇ। ਭਾਣੇ ਦੁੱਖ ਸੁਖ ਭੋਗੀ ਹੈ, ਭਾਣੇ ਕਰਮ ਕਰੇ। ਭਾਣੇ ਮਿੱਟੀ ਸਾਜ ਕੇ, ਭਾਣੇ ਜੋਤ ਧਰੇ। ਭਾਣੇ ਭੋਗ ਭੁਗਾਈਂਦਾ, ਭਾਣੇ ਮਨਹਿ ਕਰੇ। ਭਾਣੇ ਨਰਕ ਸੁਰਗ ਅਵਤਾਰੇ, ਭਾਣੇ ਤਰਨ ਪਰੇ। ਭਾਣੇ ਹੀ ਜਿਸ ਭਗਤੀ ਲਾਏ, ਨਾਨਕ ਵਿਰਲੇ। ਪੌੜੀ ਵਡਿਆਈ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਕੀ, ਹੋ ਜੀਵਾਂ ਸੁਣ ਸੁਣੇ। ਪਸ਼ੂ ਪਰੇਤ ਅਗਿਆਨ, ਉਧਾਰੇ ਇੱਕ ਖਣੇ। ਦਿਨਸ ਰਹਿਣ ਤੇਰਾ ਨਾਮ,
सदा सद जापिए। तृष्णा भूख बिकराल नाए तेरे त्रापिए। रोग शोक दुख वंजे जिस नाऊ मन वसे तिसे परापत लाल। जो गुर सब दी रसे खंड ब्रह्मंड बेअंत उदाहरण हारिया। तेरी शोभा तुद सच्चे मेरे प्यारिया। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। परम सत्कार योग गुरु सवारी साध संगत जियो, आप जी ने हुणे ही आज जो अमृत वेले अमृतमयी वचन आज दे जो पावन मुखवाक धन धन साहिब श्री गुरु रामदास जी दे दर सचखंड श्री दरबार साहिब अमृतसर तो जो पावन मुखवाक बख्शिश किए गए हैं धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी ने सोहने सिंघासन ते सुभाएवान प्रकाश हो के सो आप समूह साध संगत ने इन्हां पावन अमृतमयी बचना नूं सरवण किया है जी। सो आओ साध संगत जीओ आपां सारे ही मन बिरतियां नूं एकागर करिए ते सुरत दे नाल धन धन साहिब श्री गुरु रामदास जी दे दर सचखंड श्री दरबार साहिब अमृतसर दियां हाजरियां लवाइए। उस तों बाद अज दे पावन मुख वाक दी विचार नाल सांझ करांगे जी। सो आओ सतसंग जो सारे ही रसना नूं करिए पवित्र। आखिए जी सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जीओ। अज दे ए पावन मुखवाक जो आप जी ने सरवण किए हैं धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दे पावन अंग 963 ते सुभाएवान हैं अते सतसंग जो ये रामकली राग दी दूसरी वार दी बारहवीं पौड़ी श्लोकां दे नाल है। सो आओ सारे ही इस बार दे नाल अपनी सुरत नूं जोड़िए ते अमृतमयी बचना नाल जुड़न दा जतन करिए जी। श्लोक महला पंजवां। अमृत बाणी अम्यो रस अमृत हर का नाऊं। मन तन हृदय सिमर हर आठ पहर गुण गाओ। सो सतसंग जियो अमृत बाणी अम्यो रस अमृत हर का नाम। प्रभु दा नाम आत्मक जीवन देन वाला जल है। अमृत दा स्वाद देन वाला है। हे भाई
सतगुरु दी अमृत वसण वाली बाणी दे राही इस प्रभु नाम नू मन विच शरीर विच हिरदे विच सिमरिया ते अठे पैर सिमरिया प्रभु दी सिमरन करिया कर प्रभु दी भजन बंदगी विच जुड़िया कर अठे पैर ही प्रभु दी सिपत सलाह करिया कर जो कि गुरु पातशाह जी धन धन साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज दे ए पावन श्लोक दे विच सानू समझावना कीता गया है। मन तन हिरदय सिमर हर आठ पहर गुण गाओ। अठे ही पैर प्रभु दे नाम दे नाल जुड़िया कर प्रभु दी भजन बंदगी सिपत सलाह करिया कर। सात संग जो रसना नाम सिमरदियां थक सकती है लेकिन यह हकीकत है कि मन कदे थकदा नहीं। जदों रसना थक जावे ते मन नाल सिमरिया कर ओयो तेरा सिमरन कीता प्रभु दी सिपत सलाह कीती थाए पै सकती है। उपदेश सुनो तुम गुर सिखो सच्चा एह सुआओ जन्म पदार्थ सफल होए मन में लायो पाओ। गुरु दा उपदेश सुनो तुम गुर सिखो भाव जो भी गुरु दी सरण विच आउंदे हन उन्हां नूं गुरु पातशाह जी फरमान करदे ने भाई मेरे प्यारे मेरे भगत जन संत जनो तुसी सच्चा ये उपदेश सुनो जिस उपदेश नूं सुन के तुहाडा जिहड़ा जन्म पदार्थ है वह सफल हो सकता है। जिहड़ा जन्म सानू मनुखा मिलिया है ये गुरु का उपदेश सुन के ही सफल हो सकता है नहीं तो सात संग जीओ ये जन्म पदार्थ कदे सफल नहीं हो सकता। तो गुरु पातशाह जी के बड़े सुंदर बचन हैं थाल विच तिन वस्तु पयो सत संतोख विचारो अमृत नाम ठाकुर का पयो जिसका सबसे आधारो जे को खावे जे को पुंचे तिसका होए उधारो ए वस्त जी नह जाई नित नित रख उरतारो तम संसार चरण लग तरी है सब नानक ब्रह्म पसारो। सारी सृष्टि दे विच ओ मेरा मालिक ओ मेरा परमात्मा रमिया होया है ते सात संग जो इस अमृतमई बाणी दा रस भी ओ माण सकदे हन जिन्हां ते गुरु पातशाह जी कृपा कर देन। नहीं तो इस शरीर विच थाल विच तै वस्तु पयो सत संतोख विचारो इस शरीर दे विच सच संतोख ते सहज होना बहुत ही जरूरी है ताइयों परमेश्वर दा नाम साडे हिरदे विच वस सकदा है। ते जिन्हां ने ये परमात्मा दा नाम चखिया है ओयो इस स्वाद नूं जाणदे हन होर कोई इस स्वाद बारे दस नहीं सकदा। कहो कबीर गूंगे गुड़ खाया पूछे तो क्या कही है जिन्हां नूं समझ नहीं खांदे जरूर हन भजन बंदगी करदे जरूर हन लेकिन सतसंग जो हकीकत विच उहनां दी ये अवस्था हले बनी ही नहीं कि उहनां नूं ये समझ आ सके इस रस दा अमृतमई रस दा आनंद माण सकन। सुख सहज आनंद खणा प्रभ जपत्या दुख जाए नानक नाम जपत सुख उपजे दरगे पाइए थाऊं। इत्थे सतगुरु पातशाह जी फरमान करदे ने सुख सहज आनंद घणा प्रभ जपतिया दुख जाए। ये तो सत है जिहड़े हरी दा परमात्मा दा नाम सिमरदे हन
उन्हां दे दुख मिट जांदे हन। सतसंग जो सतगुर पातशाह ने संसार दुख की गल नहीं की, संसारक दुख तो खत्म होंदे ही हन, लेकिन हकीकत विच ते ओ दुख है जिहड़ा सानू संसार नाल बन के जिसने सानू रखिया, वह है मोह। ते मोह सतसंग जो साडा दो चार जीवां नाल हो सकता है, लेकिन जिहड़ा प्यार है वह असी सारियां नाल कर सकते हैं। जे तू मोह करना है तो गुरु के चरणा नाल कर, संसार नाल कीतिया मोह तो सतसंग जो संसारक ही बनावेगा, तो तेरे दुख भी ता खत्म होणगे, आनंद की अवस्था भी ता आवेगी जदों तेरे शरीर दे विच, तेरे हिरदे रूपी घर विच जिथे तू काम क्रोध लोह मोह अहंकार नूं रखिया है, जदों उत्थे हरि प्रभु परमात्मा दा नाम सिमरेगा, नाम नूं टिकाएगा, तो सतसंग जो सत है कि ये सारे दे सारे दुख तेरे खत्म हो जाएंगे। नानक नाम जपत सुख उपजे, दरगह पाइए थाऊं। ये हकीकत है कि परमात्मा दा नाम जप के ही सुखां दी प्राप्ति हो सकती है। जन्म मरण दा जेड़ा दुख है वह प्रभु दे नाम नाल ही खत्म हो सकता है, ते जदों परमात्मा दे नाम दे नाल ये दुख खत्म हो गया ते फिर सतसंग जो दरगह पाइए थाऊं, भाव प्रभु दी दरगाह दे विच उन्हां नूं थां दी प्राप्ति हो जांदी है। महला पंजवा, नानक नाम त्याई है, गुरपुरा मत दे, धन धन साहिब। श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज का ये दूसरा श्लोक है। पातशाह जी फरमान करदे, नानक नाम त्याई है, गुरपुरा मत दे। जदों ओ पूरा गुरु सानू मत देगा ताइयों असी परमात्मा दा नाम सिमर सकते हाँ, परमात्मा दा नाम त्या सकते हाँ। अपनी मत नूं धार के ते इंसान परमात्मा तो टुट सकता है, अपनी मत दे नाल गुरु की प्राप्ति नहीं कर सकता, गुरु कृपा कर दवे ते सानू परमात्मा की प्राप्ति करवा सकता है। गुरु की मत धारण करनी है, असी गुरु के दर ते आउंदे हाँ, भावें गुरुद्वारे साहिब असी जा के नित ये अरदास बेनती करदे हाँ सतसंग जीओ कि गुरु पातशाह जी मेहर करन, साडे घर परिवार दे विच खुशियां होवन। सारे मंगदे हन, तुसी भी मैं भी सारे असी इसे लाइन विच खड़े हाँ, लेकिन सतसंग जो हकीकत जाणियो, जिस दिन किते तुसी दो चार घड़ियां प्रभु दे चरणा विच गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पावन हजूरी विच आ के एक दात मंगोगे, एक दात मंगोगे ना, मांगो राम ते इक दान, सगल मनोरथ पूर्ण होवे, सिमरो तुमरा नाम। जदों तुसी ये दात मंग ली ना कि हे मेरे मालक, अज मैं तुहाडे चरणा तो कोई दुनिया भी मंग नहीं मंग रहा, मेरे ते कृपा करो, मेरे ते तरस करो, ते मैं झोली अड़ के आप जी दे नाम दी दात मंग रहा, कृपा करो आप जी अपनी मत अपनी सुमत मैनू भी बख्श दवो। ते सतसंग जो हकीकत है कि असी गुरु वाले हो के सानू ये समझ आ जाएगी कि सचमुच संसार विच आए असी की करना हाँ। भाणे जप तप संजमो, भाणे ही कढ़ ले, ये परमात्मा दी रजा है। जप तप संजम अते उस दी रजा दे विच ही सारा कुछ चलता है, तो सतसंग जो वो अपनी मेहर कर दे तो इन तो बार भी सानू कढ़ सकता है। भाणे जून पवाई है, भाणे बख्श करे, भाणे दुख सुख भोगी है, भाणे कर्म करे। अते सतसंग जो ये भी सत है कि परमात्मा दी रजा दे विच ही इंसान जूनियां नूं भोगदा है।
ते परमात्मा जे कृपा करे परमात्मा दी रजा दे नाल ही परमात्मा अपनी मेहर दे नाल साडे ते बख्शिश भी कर सकता है, सानू इन्हां जूनियां विचों बाहर कढ सकता है। सतसंग जो जिस तरह जीव अंत समा जो सोच सोचता है उस नूं ओयो जूनी प्राप्त हुंदी है। जो जीव अंत वेले सिमरेगा परमात्मा दा नाम, परमात्मा नूं सिमरेगा ते सतसंग जो जूनियां विचों बच सकता है। जे परमात्मा तों दूर है ते फिर सतसंग जो सानू जूनियां विचों कोई बचा नहीं सकता। एको एक बचण दा तरीका है, वह है प्रभु दा नाम। भाणे दुख सुख भोगी है, भाणे कर्म करे। गुरु पातशाह जी फरमान करते हैं, वह मालक की रजा है, दुख सुख सारा कुछ इंसान भोगता है, लेकिन सारा कुछ उस मालक दे हुक्म दे विच है। भाणे कर्म करे, तो कर्म भी वह ता कर सकता है, क्यों रजा विच ही होवेगा, लेकिन हाथ ते परमात्मा ने सानू दिते ने कर्म असी करने हैं, तो कर्म जे चंगे करांगे तो चंगे खाते विच लिखे जाणगे, जे माड़े कर्म करांगे तो सतसंग जो समझ सानू सारा कुछ है। जे जान के असी अनजान बनीए तो फिर सतसंग जो किते भी असी बख्शे नहीं जा सकते। इस करके गुरु पातशाह फरमान करते हैं, भाणे मिट्टी साज कै भाणे जोत तरे, भाणे भोग भुगाईंदा भाणे मन करे। उस मालक दी रजा दे विच ही सतसंग जो परमात्मा ने कृपा की मिट्टी तो सानू साजिया, पंजां तत्तां दे नाल सानू ए शरीर बनाया, उपर इस दे चम लपेट दिता, अंदर हाड़ मास नाड़ी को पिंजर पंखी वसै बेचारा, जिमें गुरु पातशाह जी फरमान करते हैं, वह मालक की मेहर दे नाल मालक की रजा दे नाल ही परमात्मा ने मिट्टी नू कठियां करके ते मिट्टी दे विच ही अपना अंश भाव जोत टिका दिती। भाणे भोग भुगाईंदा भाणे मन करे, ते मालक दी रजा विच ही इंसान भोग भोगदा है, उस दी रजा विच ही वह इन्हां तों हट भी सकता है। जे मालक कृपा कर दे ते सानू माड़े पास्यों गुरु की कृपा दे नाल असी हट सकते हाँ। भाणे नरक सुरग अवतारे, भाणे धरण परे। भाई गुरु पातशाह जी प्रमाण करते हैं, उस दी रजा दे विच ही नरक है ते सुरग है। सतसंग जो गुरु कृपा कर दे ते सानू अपने चरणों विच मिल सकता है, नहीं ते इंसान सतसंग जो नरक तो बच नहीं सकता। इंसान नरक तो बचण दे लई जे गुरु दी शरण विच आ जावे, गुरु परमात्मा दे चरणों विच आ के नमस्कार करे, गुरु दे भजन बंदगी विच अपना समा बतीत करे, ते इन्हां दोनों तो नरक तो ते सुरग तो ते अवतरे दा भाव भाव उतरे भाव धरती ते भी आउण तो इंसान बच सकता है। पातशाह जी दे बड़े अनमोल बचन, राज ना चाहूं मुक्त ना चाहूं मन प्रीत चरण कमलारे। हे मेरे मालक, मैनू राज नहीं चाहिदा, मैनू मुक्ति नहीं चाहिदी, सिर्फ मैनू चाहिदा ते आप जी दे चरणा दे नाल प्यार चाहिदा। ते सतसंग जो नरक सुरग उतरे भाव धरती ते उतरन तो भी इंसान बच सकता है, जूनिया विच भटकण तो भी इंसान बच सकता है, लेकिन ओ किरपा कर दवे भाणे धरण परे, ओ मेरा मालक किरपा कर दवे ते असी इन्हां जूनियां तो भी बच सकते हाँ। भाणे ही जिस भगती लाए नानक विरले हे, उस दी रजा विच ही रह के इंसान भगती कर सकता है। जिस ते ओ मालक किरपा कर दवे ओ इंसान हैण विरले हन संसार दे विच जिहड़े परमात्मा दे नाम दा ओट आसरा लैंदे हन। भाणे ही जिस भगती लाए नानक विरले, विरले हन जिहड़े परमात्मा दी शरण विच आ के परमात्मा दी भजन बंदगी करदे हन। आप जपै अवरा नाम जपावै,
ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਿਰਲੇ ਹਨ। ਪੌੜੀ ਵਡਿਆਈ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਕੀ ਹੋ ਜੀਵਾ ਸੁਣ ਸੁਣੇ ਪਸ਼ੂ ਪਰੇਤ ਅਗਿਆਨ ਉਧਾਰੇ ਇੱਕ ਖਣੇ। ਵਡਿਆਈ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਸੁਣਨੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਸਤਸੰਗ ਜੋ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਵਡਿਆਈ ਦੇ ਦੇਵੋ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹੋਮੇ ਵਿੱਚ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਵਡਿਆਈ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਕਰ, ਵਡਿਆਈ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸੁਣ। ਜਿਸ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਸੁਣਿਆ, ਪਸ਼ੂ ਪਰੇਤ ਅਗਿਆਨ ਉਧਾਰੇ ਇੱਕ ਖਣੇ, ਭਾਵ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਬਿਰਤੀ ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਰਗੀ, ਪ੍ਰੇਤਾਂ ਵਰਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਦੁੱਖ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਹੋਈ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਟਕ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਸਤਸੰਗ ਜੋ ਇੱਕ ਖਿਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਉਧਾਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਦਿਨ ਸਰੈਣ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਸਦਾ ਸਦ ਜਾਪੀਏ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹੇ ਭਾਈ ਤੂੰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਦਿਨ ਸਰਾਤ, ਭਾਵ ਦਿਨ ਅਤੇ ਰਾਤ, ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰ। ਦਿਨ ਸਰੈਣ ਤੇਰਾ ਨਾਉਂ ਸਦਾ ਸਦ ਜਾਪੀ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਕਿਰਪਾ ਕਰ, ਮੈਂ ਅੱਠੇ ਪੈਰ ਹੀ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਵਾਂ। ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਭੁੱਖ ਬਿਕਰਾਲ ਨਾਏ ਤੇਰੇ ਧਰਾਪੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਭੁੱਖ ਨਾ ਬਿਕਰਾਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਭੁੱਖ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਭੁੱਖ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਵਿਰਲੇ ਕੀ ਹੀ ਬੂਝੀ ਹੈ, ਬੁੱਝਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰਦੇ ਹਨ। ਰੋਗ ਸੋਗ ਦੁੱਖ ਵੰਜੈ ਜਿਸ ਨਾਉਂ ਮਨ ਵਸੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਟਿਕ ਗਿਆ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਵਸ ਗਿਆ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਰੋਗਾਂ ਤੋਂ, ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ, ਸੋਗਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਿਸੈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਲਾਲ ਜੋ ਗੁਰ ਸਭ ਦੀ ਰਸੈ। ਭਾਈ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਅਨਮੋਲ ਲਾਲਾਂ ਵਰਗਾ ਗੁਰ ਸਭ ਦੀ ਰਸੈ, ਉਸ ਰਸ ਦਾ ਉਹੀਓ ਸਵਾਦ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਰਸ ਨੂੰ ਚਖਿਆ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਹਰ ਕੀਰਤਨੋ ਕੋ ਵਿਰਲਾ ਪੀਵੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਹਰ ਕੀਰਤਨੋ ਕੋ ਵਿਰਲਾ ਪਾਵੈ, ਭਾਵ ਇਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਨੂੰ ਵਿਰਲੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਚਾਖ ਲਿਆ ਹੈ। ਖੰਡ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਬੇਅੰਤ ਉਦਾਰਣ ਹਾਰਿਆ। ਅਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਖਿਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਉਧਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਖੰਡ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਬੇਅੰਤ ਉਦਾਹਰਣ ਹਾਰਿਆ, ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਤੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਖੰਡ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੂੰ ਸਾਜ ਦਿੱਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਹੀ ਰਮਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇਰੀ ਸੋਭਾ ਤੁਧ ਸੱਚੇ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰਿਆ। ਸਾਰੇ ਖੰਡਾਂ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰੀ ਹੀ ਸੋਭਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਹ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਤਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਤਸੰਗ ਜੋ ਆਪਣੀ ਮਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਨਸਾਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਡੁੱਬੇਗਾ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਨ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਤਰ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਅੱਜ ਦੇ ਪਾਵਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਬਚਨ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਸਹਿਤ ਸਰਵਣ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸੋ ਸਤਸੰਗ ਜੋ ਉਦਾਸ
बेअंत भुलां गलतियां हो जांदियां हन दस पासिओं भुलां गलतियां दसदियां हन बाणी गुरु दी है बाणी नूं पल्ले बन लिओ ते भुलां दास दी झोली पा दिओ। सतसंग जो दास बेनती कर रहा है किसी भी गुरमुख प्यारे का कोई चंगा सुझाव होवे जो दास तिकर पहुँचाना चाहता होवे सो सतसंग जो दास आप समूह संगतां नूं बेनती करता है कि आप जी चक दे टीवी की वैबसाइट पर जाके आप जी उन्हां नाल संपर्क कर सकते हो ताकि आप जी का कोई भी चंगा सुझाव होवे दास तिकर वह पुज सके। गुरु पातशाह दे चरणां विच हाजरी लवाइए सारे रसना नूं करिए पवित्र जी बुलाइए फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।